नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और वीडियो में आप लोग के लिए लेकर हाजिर हो गया हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपको 25 फीट बाई 30 फीट मतलब 750 स्क्वायर फीट में बन रहे इस घर का वॉक थ्रू दिखाऊंगा। इस घर के अंदर आपको 3 बेडरूम के साथ साथ हॉल, किचन, बाथरूम और सीढ़ी भी देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए चलते हैं इस घर के अंदर। और उसके साथ साथ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये है इस घर का फ्रंट व्यू। आने वाला दिन में आपको एक अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलेगा, फिर मैं वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। चलिए चलते हैं इस घर के अंदर। तो देखिए, लगभग इस घर के बीचों बीच आपको मिलता है इस घर का इंट्रेंस। यहाँ से आप घर में इंटर होते हैं, उसके साथ साथ इंटर के साथ आपको मिल जाता है वेटिंग एरिया। देखिए, ये वेटिंग एरिया है और इसके जैसे ही आप आगे जाते हैं तो आपको मिल जाता है 14 फीट बाई 12 फीट का एक बड़ा साइज़ का हॉल। और उसके साथ साथ इसे डाइनिंग एरिया के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो वेटिंग एरिया था, इसका साइज़ था 8 फीट बाई 7 फीट का, ये देख लीजिए। और ये दोस्तों बहुत ही अच्छा, पहले देखिए जहाँ पे आपका हॉल है, डाइनिंग एरिया, उसी के बगल में जहाँ से हम लोग एंट्री किए थे उसी के बगल में आपको मिल जाता है किचन 8 फीट बाई 8 फीट का। चलिए किचन के अंदर मैं आपको ले कर चलता हूँ। किचन का जो दरवाज़ा रखा गया है वो 2.5 फीट बाई 7 फीट का रखा गया है। चलिए अंदर होते हैं। तो अभी किचन का काम देखिए, बिल्कुल ही शुरुआती दौर में यहाँ पे आपको 2 विंडो भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्लैब वगैरह का काम अभी बाकी है। तो चलिए चलते हैं आगे, मैं सारा चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप साइज पर गौर करते जाइए। मैं फिर से आपको एक बार सारा चीज़ें समझाऊंगा। फिर हॉल के आगे में आपको मिल जाता है कॉर्नर पे बेडरूम। देखा, पहला बेडरूम है जिसका साइज है 10 फीट बाई 10 फीट का। इसमें आपको 2 विंडो देखने को मिल रहा है, पहला विंडो और ये दूसरा विंडो। और इसके साथ साथ देखेंगे तो आपको छज्जा भी इस रूम में देखने को मिल रहा है। इसमें आप घर का आसानी के साथ काम है वो रख सकते हैं, सामान है जो रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको इस कॉर्नर पर तो एक पहला बेडरूम था, उस कॉर्नर पे आपको मिल जाता है दूसरा बेडरूम। और दोनों बेडरूम के बीच में देखिए आपको मिल जाता है यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम। ये देखिए, देखिए टॉयलेट और बाथरूम के लिए यहाँ पे जगह छोड़ा गया है, वहाँ पर रहेगा वेंटिलेटर। तो इस टाइप से दोस्तों यहाँ पर काम किया जा रहा है, दोनों रूम का ये काम आसानी के साथ आ जाएगा। इस रूम का साइज़ भी 10 फीट बाई 10 फीट का ही रखा गया है, सेम काम किया गया है। 2 विंडो, पहला विंडो वहाँ पे है, दूसरा विंडो यहाँ पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छज्जा का काम चल रहा है, मतलब सेम उसी रूम के बराबर साइज़ का रूम यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। फिर 5 फीट चौड़ा यहाँ पर आपको मिलता है बाथरूम और टॉयलेट। फिर आप जैसे ही पीछे आते हैं तो आप आ जाते हैं हॉल में। और हॉल से हैं दोस्तों आप देखेंगे तो स्टेयर है, ये भी एक अच्छा ही काम किया गया है, क्योंकि हॉल से स्टेयर ज़्यादातर लोग लगाते हैं और ये दोस्तों हम लोगों के इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो देख लीजिए, 6 फीट चौड़ा आपको मिल जाता है यहाँ पर स्टेयर फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए। और उसके बगल में आपको मिल जाता है, देखिए यहाँ से आप अच्छे से समझ पाएंगे, यहाँ से मिल जाता है आपको गेस्ट रूम। आपने यहाँ से इंटर किया था, जैसे ही इंटर किया था आपको मिला 8x7 का वेटिंग एरिया, फिर 8x8 का आपको मिल जाता है यहाँ पे किचन, फिर यहाँ पे मिलता है आपको हॉल और इसके साथ साथ डाइनिंग एरिया के रूप में भी इस्तेमाल होगा। फिर यहाँ पे आपको मिल गया है बेडरूम 10x10 का पहला बेडरूम, फिर वहाँ पर आपको मिल गया टॉयलेट बाथरूम, फिर वहाँ पर है वो दूसरा बेडरूम, फिर यहाँ पे आपको मिल गया है स्टेयर। 2 बेडरूम आप लोगों ने देख लगा। चलिए अब मैं आपको तीसरा बेडरूम भी साथ साथ दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम। इसमें आपको टॉयलेट और बाथरूम का भी व्यवस्था मिलेगा, क्योंकि ये गेस्ट रूम के रूप में भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये देखिए गेस्ट रूम है जिसमें डबल विंडो आपको देखने को मिलता है। ये है पहला विंडो, ये है दूसरा विंडो। और इसके साथ साथ देखेंगे
इसका साइज आप जान लीजिए, इसका साइज है 14 फीट बाई 10 फीट। इसमें आपको टॉयलेट और बाथरूम भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो गेस्ट आते हैं घर में उनको आप दोस्तों अपने रूम की तरफ ले जाना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए भी दोस्तों अच्छा रहता है कि उन्हीं के रूम में सारी सुविधाएं दी जाए। तो देख लीजिए, ये है टॉयलेट और बाथरूम रूम के अंदर ही। तो इस टाइप से देखिए यहाँ पे काम किया जा रहा है दोस्तों। चलिए एक बार और मैं आपको इंट्री पॉइंट के पास खड़ा होकर बता देता हूँ कि कैसे है इस घर का बनावट। देखिए यहाँ से हम लोगों ने इस घर में एंट्री किया था। वेटिंग एरिया, हॉल, पहला बेडरूम, दूसरा बेडरूम, उसके बीच में टॉयलेट, फिर सीढ़ी रूम, फिर यहाँ पे आपको मिल जाता है बड़ा वाला गेस्ट रूम, मतलब तीसरा बेडरूम, जिसके अंदर टॉयलेट, बाथरूम, और यहाँ पे आपको मिल जाता है किचन। ये देखिए किचन था। तो इस टाइप से दोस्तों मैंने आपको साइज के साथ सारा चीज़ बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कॉलम के बारे में। तो इस घर में टोटल 12 कॉलम लगाया गया है। देखिए पहला कॉलम किचन के उस छोर पे, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम, फिर दोस्तों 5, 6, 7, यहाँ पे 8, फिर इसी के साइज में जस्ट उस साइड में उस कॉर्नर पे 9, 10, यहाँ पे 11 और यहाँ पे एक उस कॉर्नर पे 12, मतलब 12 कॉलम के साथ 750 स्क्वायर फीट का ये घर बनाया जा रहा है। और बात किया जाए कॉलम का, तो देख लीजिए 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम है। नज़दीक जगह ले जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम है, और उसके साथ साथ जो रेनफोर्समेंट यूज़ किया जा रहा है उसे देखेंगे तो 12 mm का 4 सरिया आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप लिंटल में भी देखेंगे तो 4 सरिया इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए लिंटल में इस्तेमाल किया जा रहा है ये 8 mm का 4 सरिया आप आसानी के साथ देख सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4। तो इस टाइप से काम किया जा रहा है। और घर का जो हमारा बीम है, ये जो आप बीम देख रहे हैं इस घर का, देखिए जो बीम है वो भी उसका साइज भी दोस्तों 9 इंच बाई 9 इंच का रखा गया है। सारा बीम आप देख सकते हैं। सीढ़ी भी आप देख लीजिए, सीढ़ी का जो साइज है उसको मैंने बताया आपको कि 6 बाई 10 का है, 6 फीट चौड़ा है और 10 फीट इसका चौड़ाई रखा गया है। ये पहला फ्लाई है, फिर आपको मिल जाएगा लैंडिंग, फिर आपको मिल जाएगा दूसरा फ्लाई। तो इस टाइप से इस घर में काम है वो किया जा रहा है। अभी काम का बात किया जाए तो देखिए जो लिंटल के ऊपर ब्रिक वर्क होता है उसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ ढलाई का काम इसमें बाकी रह गया है, इसमें ढलाई किया जाएगा। तो इस तरीका का वीडियो अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत जल्द जब ये घर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोग के लिए एक और वीडियो ला दूंगा, जिससे आप लोग घर बनाने वाले होंगे तो आप लोग को बहुत सारा मदद मिल सकता है। ऐसा ही आप किसी और भी साइज का वॉक थ्रू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और किस साइज़ का आप लोग वॉक थ्रू देखना चाहते हैं इस तरीका का, उस साइज़ को आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का एक्सपेक्ट तो आपसे कर ही सकता हूँ, क्योंकि मैं आप ही लोगों का हेल्प के लिए डेली बेसिस पे वीडियो लाता हूँ इस चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए इंजीनियर प्रभात और पूरी टीम को दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।